आज मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने वाला हूँ बहुत सारे टीएनटी। जैसा कि आप सभी को याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने बनाया था एक ह्यूज क्रीपर फार्म, जिससे मेरे को लेस देन 30 मिनट्स में 5.5 स्टैक गन पाउडर मिला था। तो आज अपन उसी का टीएनटी बना के फोड़ने वाले और करने वाले डायमंड माइनिंग। तो आओ। ओके सो गाइस, इस टाइम पे मैं आया हूं अपने घर से बहुत दूर एक डेजर्ट बायोम ढूंढने, क्योंकि अपने को बहुत सारी सैंड चाहिए होगी। वहां पे भी थोड़ी बहुत तो सैंड मिल जाती, लेकिन वहां पे ढूंढनी पड़ती थोड़ी थोड़ी करके। इतनी तो सैंड नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 5 से 6 स्टैक तो लेके जाएंगे सैंड। लेकिन अभी सामने जो है यहाँ पे बहुत सारी सैंड दिख रही है। वहां से मैं इसलिए भी नहीं हटाना चाह रहा था आसपास से, क्योंकि वो अच्छी लग रही थी सैंड और थोड़ी थोड़ी थी, जैसे कोने कोने में नहीं होती। अगर वही हटा देता तो बहुत गंदा एरिया हो जाता। तो ये उस जगह पे आया हुआ हूँ इस टाइम तो मैं, जहां से अपन स्प्रूस की सैपलिंग लेके गए थे। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से तोड़ लेते हैं। अपने पास 5 स्टैक तो आराम से हो जाएगी यहाँ पे, इतनी तो है। ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम कलेक्ट कर सकूं मैं। फिर अपन ये सारी कलेक्ट करके बनाएंगे टीएनटी और फिर चलेंगे अपन अपनी डायमंड माइनिंग पे और मजा आएंगे देखना। ओके सो गाइस, इस टाइम पे मैंने कलेक्ट कर लिए टोटल 11.5 स्टैक्स। ये देखो 44 है दूसरे स्टैक में, और मेरे पीछे एक मकड़ी चेप हो रखी है। देखो अभी एक सेकंड को, ये यहाँ पे और पड़े थोड़ी बहुत। ये देखो ये मकड़ी चेप हो रखी है, नहीं तो मैं और तोड़ता। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, दिन भी हो गया है। मैं सोचा था दिन में चल लेंगे, एक दो मेरी टूटी शवल, बाकी तो नहीं टूटी। तो अभी अपन चलते हैं घर पे, बनाते हैं बहुत सारी टीएनटी और फिर माइनिंग करेंगे डायमंड्स की। ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू द होम। अपन होम पे, अपन घर आ गए। और अरे मेरी ओपी वाली एमएलजी, यहाँ से करूँ क्या? मेरी सारी सैंड गिर जाएगी। लेकिन अरे पिरो फ्रॉम माय चाइल्डहुड, वो तो मैं मजाक करता हूँ कभी कभी ऐसे एमएलजी नहीं करके। मेरा दिल बैठ गया भाई, फटाफट से अपन आ गए। अभी चलते हैं, अरे डायरेक्ट क्रीपर फार्म चलते हैं ना। क्रीपर फार्म से लेंगे सारी वो गन पाउडर। और रुको, अरे नहीं, हाँ शवल भी वही रखनी है। चलो ठीक है, वही चल रहे हैं, डायरेक्ट वही चल रहे हैं। एक सेकेंड, अपनी बोट्स कब काम आएगी। यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी बोट्स बहुत सारी। इसको पकड़ो और चलो। यस, ये देखो गाइस, ये सबसे बड़ा आसान साधन है पानी में चलने का, कितनी तेज पहुंचा देता है। तो अभी अपन ये जो सारी सवल्स हैं इनको डालते हैं इसके अंदर। एक सवल रख लेते हैं अपने पास, और एक मेरे को एक्स भी बनानी है। मेरे सारे आयरन है, ठीक है, मैंने एक गोलम मारा था लास्ट टाइम। अभी मैं लेके आता हूँ सारे गन पाउडर और देखते कितने टीएनटी बन पाएंगे। और यहाँ पे ये मेरी दो बिल्लियां बैठी हुई है पिछली बार की, इनको भी हटाना है अपने टीएनटी फार्म में। ओके, इस टाइम ओ 30 हो रखा है यहाँ पे। मैं आसपास काम करने आया था, ये शवल वल लेने आया था, तो शायद तब आ गए होंगे। तो ये लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे पिछले शायद यहाँ पे 20 थे या फिर 25 थे, कुछ थे। अभी इन सब का बनाते हैं अपन टीएनटी। और टीएनटी कुछ ऐसे बनते हैं, मेरे को याद है, बिल्कुल याद है भाई, ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, मेरे साथ ऐसे पोपली मत करना, रुको। ऐसे ही तो बनते थे। अरे नहीं भाई, अरे नहीं। ओके, माय मिस्टेक। ठीक है, रुको, इसको यहाँ रखना है इसको। अरे नहीं, अरे गन पाउडर ज्यादा लगेंगे इसका मतलब, 1 2 3 4। अरे गन पाउडर ज्यादा लगेंगे, एक स्टैक बन पाएगा फिर तो? नहीं, एक स्टैक है रे मेरे पास। अच्छा नहीं, 30 ही ज्यादा है मैंने। ओके गाइज, 64 टीएनटी बने, सिर्फ और सिर्फ 64 टीएनटी बने। कुछ और बन सकते हैं, उनको भी बना लेते हैं फटाफट से। ये देखो, ये सिर्फ 6 एक्स्ट्रा बने, तो इनको फोड़ते हैं और इनसे देखते हैं कितना अपने को डायमंड मिलता है। और फिर और एक एफ होके और टीएनटी फोड़ेंगे, और आज इतने तो डायमंड निकाल के रहेंगे कि सारे टूल्स और सारा आर्मर बन जाए। मतलब एक तरीके से 24 डायमंड से तो आर्मर बन जाएगा, है ना। और 3 3 6, हाँ मतलब करीबन अपने को चाहिए 35 टोटल में। टाइम पे देखो, मैं चाह रहा हूं अपन एक आर्मर बना ले पूरा आयरन का, क्योंकि अपन जाएंगे नीचे, अपन फोड़ा फाड़ी करेंगे ना, तो अपन को टीएनटी के एक्सप्लोजन से डैमेज हो सकता है, इसलिए आर्मर बना रहा हूं। वरना मेरा कोई मन नहीं था आर्मर बनाने का, कि आयरन का मैं आर्मर बनाऊं, लेकिन शायद बनेगा भी नहीं। नहीं बन जाएगा क्या? ओके, यहां रखे थे 64 का स्टैक हो गया है। ओ, इन सबको पहनते हैं। ओके, और अब एक बनाना है एक्स। ओके डन। अभी जितना भी मेरे पास आइटम है सारी सैंड एक ही चेस्ट में खाली करने वाला हूँ। अभी इसमें कर देता हूँ मैं, ये लो, जिससे कि एक जगह रखी रहेगी, क्योंकि अभी सैंड वापस एक एफ होंगे गन पाउडर के लिए तो काम आएगी। देखते हैं इनसे कितना होता है। और एक अपन को लेके जानी है फ्लिंट एंड स्टील। रुको, वो लेना मैं भूल गया। थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक ले लेते हैं और एक फ्लिंट एंड स्टील। फ्लिंट मिल गई, ठीक है, फ्लिंट एंड स्टील बना लेंगे। और अब इसका बनाते हैं एक फ्लिंट एंड स्टील। चलो गाइस डन। और मैं चाह रहा हूँ कि ये अपनी जो पहली माइन है ना, इसको देखते हैं अगर ये उधर की साइड जा रही होगी, क्योंकि इससे पहले अपन, मेरे को याद है अपन यहां से गए थे और वहां से निकल के आए थे। तो नहीं, वहां से गए थे और यहां निकल के आए थे, शायद ऐसा कुछ था। मैं चाह रहा हूं अपने वहां पे मैं खोखला नहीं करूं इस जमीन को, क्योंकि अपन इतने सारे टीएनटी फोड़ेंगे ना, तो अपने को बहुत सारे कोबल, वो डीप स्लेट कोबल स्टोन भी मिलेंगे, तो उसका बहुत फायदा होगा अपने को आगे की बिल्ड्स के लिए,
क्योंकि अपन एक जगह रखेंगे और चारों तरफ की ब्लॉक्स फूटेंगे तो अपने को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है स्टोन्स के तौर पे भी, क्योंकि अपना जितना भी स्टोन था सारा उस वो सारा क्रीपर फार्म बनाने में लग गया है, तो अपने पास एक भी स्टोन नहीं है। स्टोन है, कोबल स्टोन है थोड़े बहुत, लेकिन अपने को डीप स्लेट स्टोन अच्छे लगते हैं इसलिए डीप स्लेट से सब कुछ बनाना है। तो इस टाइम मैं चाह रहा हूं अपन चलते हैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स -50 पे और फिर सीधा अपन TNT लगाना चालू कर देंगे। तो यहीं जा रहा हूं अभी तो, और उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूं। ओ एक सेकंड, नहीं ऐसे कैसे जा रहा हूं मैं, वहां इतनी बड़ी टनल खोद दूंगा तो वहां कितने सारे मॉब स्पॉन हो जाएंगे, उसके लिए टॉर्च वॉर्च तो मैंने ली नहीं है। ओके गाइस एक सेकंड, टॉर्च बनानी पड़ेगी या तो मेरे को या तो होगी। टॉर्च नहीं है लेकिन मेरे पास कोल है, कोल है। ओके डन, हर बार इतने थोड़े बहुत लेके आता हूं मैं कोल और सारा खत्म हो जाता है। मैं एक स्टैक बना के रखता हूँ, बहुत है, एक स्टैक से तो काम हो जाना चाहिए। और अभी सुबह ही चलेंगे, जब सुबह हो ही गई है मतलब रात हो ही गई है तो सुबह ही चलेंगे। ओके गाइस डन, अभी अपन फाइनली चलते हैं डायमंड माइनिंग पे। और मैं क्या कह रहा हूँ, जो डायमंड नहीं फूटेंगे अपने आप नहीं फूटेंगे ना, उनको अपन तोड़ेंगे भी नहीं, उनको अपन फॉर्च्यून से तोड़ सकते हैं तो अपन उससे ज्यादा मिल जाएंगे अपने को। और इसको अपन लेफ्ट हैंड में पकड़ लेते हैं जिसे रोस नहीं रहे। और नहीं, अरे अभी मैंने पानी डाला था और ये पानी अब अपने को परेशान करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी डायरेक्ट नीचे कूदते हैं, यहीं से चलेंगे नीचे की साइड अपनी टनल बनाते हुए। देखना रुको एक, मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे चलते हैं सीधे सीधे और कोऑर्डिनेट अपने को एट लास्ट कोऑर्डिनेट पे जाना है -50। ठीक है तो अपन यहां तक तो आ गए। और अरे नहीं, अरे बाबूजी फूटो फूटो फूटो, अंदर मत आना तुम। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजे ओ मजे। अरे एक तो ये पता नहीं हर जगह डीप स्लेट से लगे रहेंगे। हाँ चलो, मतलब वो एक सेकंड ये पानी खत्म हो जाने दो, फिर अपन यहीं से नीचे माइनिंग करेंगे डायरेक्ट। डन, और अपन माइनिंग क्यों करेंगे, नहीं माइनिंग करेंगे अभी एक सेकंड। अच्छा हाँ, माइनिंग तो करना बनता है ना भाई। अभी अपन पूरे 50 पे नहीं है, अपन ये सारे TNT जब ही यूज करेंगे जब अपन वाई लेवल -50 पे होंगे। -50 से पहले अपन ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि 50 पे अपन को सिर्फ सीधा स्ट्रेट डिगिंग में काम आएंगे अपने को सारे TNT, क्योंकि एक बार में ये पूरे मतलब एक तरीके से 9 का एक ब्लॉक हटाएंगे, मतलब 9 ब्लॉक्स का एक ब्लॉक हटाएंगे एक बार में, तो बहुत काम आने वाले। अपन -50 से लेके -60 के बीच में रहेंगे क्योंकि अपन TNT फोड़ेंगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे जाता रहेगा, क्योंकि अपन जैसे ये 3 है उसके बीच में एक यहाँ TNT रख के यहाँ फोड़ेंगे। तो देखो अभी नीचे चलते हैं -50 पे। अभी इस टाइम पे अपन आ गए हैं -38 पे, चलो ये भी ठीक है। ओके गाइस डन, इस टाइम पे अपन ने -53 कोऑर्डिनेट्स पे वाई लेवल। तो अब जो है अपन यहाँ TNT लगाना स्टार्ट करते हैं और मेरे को भागने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, इस चक्कर से इसको थोड़ा आगे जाके फोड़ेंगे TNT को, क्योंकि पहला TNT अपने बिल्कुल मुंह पे ना फूटे, फिर तो अपने पास जगह हो जाएगी एक TNT फूटने के बाद। तो यहाँ फोड़ेंगे अपन पहला TNT अपना, लेट्स गो गाइज, होप कि पहली बार में मिल जाए तो अपनी बल्ले बल्ले फूटे। ओ मेरे को नहीं लगेगी ना, ओके कुछ नहीं लगी। और ये देखो एक बार में एक्सप्लोजन देखो, और ये देखना इस टाइम देखना मेरे पास 2 स्टैक हैं और 6 हैं, ठीक है देखते हैं और कितने डीप स्लेट मिलते हैं, इससे डीप स्लेट भी कितने सारे मिल जाएंगे। ओके भागो भागो, अरे भागो डन। ओके देखो 30 हो गए, 60 और 30 हो गए, डीप स्लेट ही डीप स्लेट होगा। और एक अगर इसको अपन अंदर लगा दें तो कैसा हो, अरे क्या बात है, बिल्कुल एक चंक जैसा सा नहीं होता स्क्वायर वैसा खुदा है, लेकिन इससे अपने को कम मिलेंगे, इससे अपने को कम मिलेंगे, लेकिन आगे का भी तो नहीं फोड़ रहा, ये भी ठीक है कम मिलेंगे लेकिन ठीक है ना। अपन एक अंदर ही लगाते हैं जिससे कि क्या है, अभी देखो अपन एक आगे फोड़ते तो एक आगे वाली लाइन नहीं फोड़ता। ओके अरे पास नहीं जाना इसके, अपन फूट सकते हैं। तो अपन ने इस टाइम कितने TNT लगा दिए मेरे को ध्यान नहीं है, और कितने भी TNT पे मिलता है तुम ये बताना गाइस, अपने को पहला डायमंड TNT से कितने TNT लगाने के बाद मिलेगा। ओके अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसे बेइज्जती मत करो मेरी, बिल्कुल नहीं ऐसे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं मिल रहे। अब देखो ये माइनिंग अच्छी है कि नहीं ये बताओ, एक क्रीपर फार्म बनाने के बाद ये माइनिंग पिकैक्स से तो बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि अपन एक आप याद होगा कई लोग 3-3 के लाइन में भी करते हैं माइनिंग, 3-3 के लाइन में, तो उससे तो बहुत बढ़िया है ना, मैं कितनी माइनिंग कर रहा हूँ एक बार में। चलो तो यहीं लगाते हैं एक TNT भारी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा एरिया फोड़ रहा था देखो इससे पहले, ये देखो ये थोड़ा इधर उधर का एरिया फोड़ रहा था। हाँ फोड़ रहा है लेकिन ठीक है अच्छी बात है, इससे अपने को थोड़े साइड के होंगे तो वो भी नजर आ जाएंगे। इसको रखो और अभी मैं फोड़ता हूँ फटाफट सारे TNT और देखते हैं किस कितने डायमंड मिलते हैं। ऐसे अभी तक एक भी नहीं मिला, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ओ मरता ये सारे मेरे को डीप स्लेट भी वो लेते जाने, और देखो कितने सारे डीप स्लेट हो गए। ओ कुछ नहीं तो डीप स्लेट ही कितने सारे मिल रहे हैं अपने को नेक्स्ट बिल्ड के लिए। ओ यस ओ भाग,
ओ यस नहीं ओ भाग भाई पिटेगा वरना तू टीएनटी से। ओके गाइस कितनी लंबी टनल खोद दी, डायमंड नहीं मिल रहे। अरे नहीं एक सेकंड, क्या थोड़ा सा और नीचे जाया जाए? एक टीएनटी फोड़ते हैं अपन यहाँ पे। चलो अब नीचे का एरिया पता पड़ जाएगा, बेडरॉक कितने पे, वैसे 60 पे होनी चाहिए बेडरॉक, -60। ओके एक और ये लो। अबे नहीं गाइस यहाँ खड़े होके देखेंगे टीएनटी फूटता हुआ, अपन नहीं फूटने चाहिए। ओके बस यहाँ लगाएंगे टीएनटी, ये कितने हैं -58। यहाँ लगा के देखते हैं एक दो टीएनटी, अपन ऐसे रेंडमाइज करके बस लगाना। अरे नहीं बच गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। शिट मैं मरूंगा भाई ऐसे तो, पतास तो मरता गाइस। भागो फोड़ना, क्या मिला फूटी, इससे बड़ी फूटी किस्मत क्या हो सकती है भाई। कितनी देखो तुम, अगर इतनी पिकेक्स से माइनिंग करता तो कितना टाइम लगता गाइस। अगर आज भी डायमंड नहीं मिले ना लेके जाऊंगा, आज तो मिलेंगे कैसे नहीं, लेके जाऊंगा। ओके और ये क्या आ गया भाई यहाँ पे, यहाँ पे तो कैसे भी नहीं मिलेंगे, ये कैसी चीज जगह आ गई, टफ आ गया यहाँ पे गाइस। ऊपर ही चलते हैं अपन तो, ऊपर ही माइनिंग करेंगे। रुको ओके यहाँ मिल तो रहे हैं भाई, आयरन आया ठीक है, कुछ तो मिलेगा इसमें, कोई तो और दिख रहा है नहीं तो यहाँ और ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, सारी और ही गायब कर दी क्या, सिर्फ डीप प्लेट के अलावा और कुछ है? अरे भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, डन छी भाई कुछ नहीं है यहाँ, कचरा है। यहाँ फोड़ते हैं थोड़ा सा, बहुत उम्मीद है तेरे से गाइस। अपने को ऐसे 6-7 स्टैक टीएनटी लाने पड़ेंगे। ओके ओए मेरा पानी, मेरा पानी, बैठ तूने मेरा पानी देखा, पानी मेरा पानी, ओहो डर गया, चल चल भागो भागो। ओह हेलो, अबे डर गया मैं, अब फूटेगा फूटेगा फूटेगा, हाँ यस हो गया। अबे नहीं मेरे को क्यों मार रहे, अरे गाइस मेरे सारे डीप स्लेट, मेरा सारा टीएनटी, और वहां आग और लगा दी थी मैंने। शिट भाई वो एंडरमैन मेरे पे क्यों गुस्सा हुआ, मैंने क्या किया था, वो खुद आके खड़ा। अरे नहीं मेरा आधा डीप स्लेट तो नहीं, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, ऐसे ऐसा मत करो मेरे साथ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं डायमंड माइनिंग भाई। अरे डायमंड ही नहीं मिल रहे, और अरे नहीं मेरा सामान, ओ शिट गया 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 गया, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मतलब कहीं कोई नहीं था, सिर्फ वहीं पे थे है ना, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे थे, कौन सारे क्रीपर, दुनिया भर के स्केलेटन गाइज। ये उम्मीद नहीं थी इस वाले वीडियो में, तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैं मरूंगा, वो भी ऐसे यार भाई, मरना हो ना तो कहीं से कुछ भी आ सकता है चल के, ठीक है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। ये एंडरमैन क्या करने आया था वहां पे मेरे को ये बता दो कोई। अरे यार भाई समस्या बहुत है जिंदगी में, चलो अरे भगवान मेरी रक्षा करे, प्रार्थना करो मेरे लिए, भागो। अब मैं अरे मेरे सारे वो एक तो क्रीपर और एक्सप्लोड हो गया था वहां पे, मेरे और आधे आइटम चले गए होंगे यार। नहीं भाई मार लो, पहले मार लो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को जल्दी से, पहले मार लो, सब मार दो मेरे को, मेरे को अब कोई ना हो, और कोई हुआ ना मैं तो, अरे यार मत करो प्लीज भाई मेरा आइटम। ओके क्या उतना ही आइटम है ये, क्या उतना ही आइटम है, प्लीज कह दो कि हाँ उतना ही आइटम है। नहीं पहले तो टॉर्च लगाओ हाथ में, अरे नहीं यार मेरे को और आइटम बना के लाने चाहिए थे, क्या कम है क्या कम है, ये फेंको, क्या फालतू चीजें भर रखी हैं भाई। रुको मेरा डीप स्लेट दो सारा, कुछ नहीं तो डीप स्लेट तो काम आएगा बिल्ड्स के लिए। रुको कितना डीप स्लेट है, क्या इतना ही डीप स्लेट था, मेरी पिकेक्स कहाँ है, मेरी पिकेक्स जल गई गाइस, देख पिकेक्स थी तुम्हें याद हो, अच्छा है ना, अरे भाई याद कहाँ, चलो ठीक है और शायद पूरे हैं भाई, उम्मीद करूंगा मैं ये इतने ही थे, डीप स्लेट कोई भी फूटा नहीं हो, बाकी फूट गया हो तो क्या ही कर सकते, एक तो एंडरमैन तेरी। चलो गाइस माइनिंग कंटिन्यू करते हैं अपन, और नहीं अभी सामान आएंगे ही नहीं मेरे पास।
चलो गाइज घर जाके आते हैं, और कुछ और कोई ऑप्शन नहीं है। एक अब से चेस्ट लाऊंगा मैं जिसमें मैं आइटम खाली कर दूंगा, अभी घर जाके आते हैं एक बार। ओके गाइज बैक टू होम, अभी जो है अपन एक चेस्ट बना के लेके चलते हैं। मैंने बहुत सारी वुड भी कलेक्ट करके रखी हुई है, तुमने अगर देखी होगी मैं चेस्ट खोल रहा था। हाँ ये देखो कितनी सारी वुड है, ज्यादा तो नहीं है फिर भी लेकिन है बहुत सारी, काफी वुड। ठीक है इन सब स्टोन को यहाँ डालते हैं, और बहुत डीप स्लेट हो गया है, जितना अपने पास पहले था ना उतना तो डीप स्लेट कम से कम अपने पास वापिस हो गया है। और एक आर्मर अपन रख देते हैं वापिस से, और अब इनके जो है प्लैंक बनाते हैं सारे, और प्लैंक से बनाते हैं एक दो तीन चार चेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि अपने जहां तक इन 38 जो TNT बचे हैं इनके बाद अपन वापिस AKF जाएंगे अपने गन पाउडर फार्म में, और फिर वापिस और लेके आएंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड मेरे को चाहिए। और पता नहीं क्या कौन पनौती लगा के गए, ओ रुको भाई एक फ्लिंट एंड स्टील भी बना के ला दो, क्या पता ही बीच में खत्म हो जाए, बहुत हेल्थ कम है। फ्लिंट इसमें रखी थी कहीं ना कहीं, हाँ ये रही, दो फ्लिंट एंड स्टील बनाता हूँ। स्टील अरे मेरी सारी स्टील, दुनिया भर की स्टील खत्म हो जाती है, फिर गोलमों को पेलता हूँ फिर स्टील आ जाती है। चलो गाइज मार दिया है, अभी जो है दो आयरन को रखते हैं इधर, और अब चलते हैं डायरेक्ट वापस से अपनी माइनिंग पे। ओ शिट मैं बिना देखे गिर गया भाई, नहीं क्या करता हूं मैं, अरे अरे बकेट फेंक दी मैंने भाई, ओ बकेट ले ली इसने मेरी, मेरी बकेट दे दे प्लीज, अरे हट जा हट जाओ, मेरी बकेट मिल गई बकेट मिल गई, हट जाओ बस हट जाओ। अरे यार क्या कर रहे हैं मेरे से लड़ाई पीटी कर रहे हैं एक तो ये लोग भाई। चलो गाइज फाइनली बैक टू वर्क, अभी वापस से TNT लगाते हैं, और मैंने फोड़ा ही कितना सा है भाई। ठीक है मिल जाएंगे कहीं ना कहीं जाके डायमंड, मिलने तो चाहिए। अभी लगाते हैं TNT और वापस फ्लिंट, और ये क्या है भाई टफी टफ भर रखा है हर जगह, गलत जगह तो माइनिंग नहीं कर रहा कहीं, क्या पता मेरे आसपास TNT मिले ही ना, कोई चंक बॉर्डर पे बताते हैं ना, चंक बॉर्डर पे मिलते हैं ऐसा कुछ। Okay. तो मेरे को बस इतना सा बताओ ये कितने TNT लगाने के बाद मिला है मेरे को, और इसको मैं नहीं तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा फॉर्चून 3 लगा के ही तोड़ूंगा। ठीक है कितने हैं ये देख लेते हैं, और आगे से TNT फोड़ना चालू करते हैं, इतना आगे से फोड़ेंगे कि इनको कोई इफेक्ट ना पड़े, ये टूटने नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल नहीं टूटे, एक भी नहीं टूटा है ना, एक भी नहीं टूटा है ना, हाँ एक भी नहीं टूटा डायमंड, तो तोड़ेंगे भी नहीं इसको, अपन फॉर्चून 3 की पिकेक्स लगा के तोड़ेंगे जितने भी हैं, कम से कम डबल नहीं तो एक दो तो ज्यादा मिलेंगे। कितने हैं ये, ओके अरे नहीं मैं ओके नहीं है, अरे नहीं है एक ही ज्यादा है शायद पूरे चंक में, मतलब क्या कहते हैं 8x8 का होता है ना शायद, 4x4 का, 2x2 का होता है, 4x4 का होता है ये, ठीक है नहीं 4+5 है ये, और देखो इससे कितना मिलता है। तो अभी थोड़ा सा एक आगे जाके फोड़ते हैं अपन वापस से TNT, और मेरे को ये बताना कितने TNT फोड़ने के बाद ये डायमंड मिले, और ये टूटने चाहिए। ओके बच गए अपने डायमंड बच, ओके नहीं कर पा रहा भगले भगले मर, ओके TNT फूट गया वापस से, एक बोट सी शक्ल फूट गया, फिर से फूट गया, और फिर से नहीं मिल रहे हैं, क्या ये 5 ही डायमंड मिलेंगे अब मैं पूरे एक स्टैक TNT से, क्या पता कहीं ना कहीं TNT निकला है, वो डायमंड निकला है, एक यहाँ फोड़ के देखते हैं। चलो अरे भाग ले भाई, दूर भगना होता है, क्या करता है यार। ओके तुक्का मारा लेकिन कोबल स्टोन मिला, एक तो देख रहे हो गाइस जी और भी कितने कम मिल रहे हैं, बस ये हाँ एक और मिला है और कहीं भी और नहीं है कोई सा भी। अब की बार जो TNT लाऊंगा ना मैं बना के उनसे ऊपर ही माइनिंग करेंगे थोड़ा सा। अभी जो है कोबल स्टोन मेरे पे बहुत आ गए, इनको मैं रखता हूँ यहाँ पे, जितना भी कोबल स्टोन आया ना इनको डबल चेस्ट में डालो क्योंकि मैं इनसे कोई रिस्क नहीं चाहता। चलो अभी जो है अपन और 12 है, अभी इनको फोड़ते हैं थोड़े बहुत और, इधर ही कोबल स्टोन बहुत हो गया, बहुत हो गया मतलब अब मजे आएंगे अपने को बिल्ड बनाने में, कोबल स्टोन की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल माइन नहीं करना है बाकी तो फार्म। ओके इसका तो फार्म भी नहीं बनता ना, डीप स्लेट का तो फार्म भी नहीं बनता, क्या बात है, ये लो बना दिया मैंने फार्म, करो डायमंड का भी फार्म नहीं बनता, डायमंड माइन करो और ये लेते जाओ, क्या मस्त आइटम देख रहे हो गाइस, ऐसे अक्कल लगाया करो मेरी जैसी। बू अरे मैं हर बार बूम बोलता हूँ, उसमें एक एक डायमंड तो दे दो भाई, 64 TNT फोड़े, अगर 64 में एक एक डायमंड भी मिलता ना, देख रहे हो कितना हो जाते, 64 डायमंड हो जाते दुनिया भर के लिए काम करते भाई, इससे ज्यादा मेरे को चाहिए ही नहीं।
ये भी फूट। ओ तेरे गोरे गोरे दिल तेरे। अरे नहीं अभी इनको मार भी तो नहीं सकता। रुको 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 रुको, इधर एक ये लगाओ, एक ये लगाओ, है ना, ये निशानी है, यहाँ डायमंड है कुछ तो ऐसी निशानी। ओ नहीं पिकैक्स भी गई अभी। अरे ये ना फूटे, ऊपर के ना फूटे प्लीज प्लीज। ओके नहीं बच गए बच गए। ठीक है अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या लगाऊं जो डायमंड है, यहाँ डायमंड है भाई, डायमंड 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 और डायमंड, दुनिया भर के डायमंड। ओके एक टीएनटी बचा है लास्ट का और अपने को मतलब मिल गए हैं, लेकिन अब इसको अंदर कैसे तोड़ के लगाऊं मैं। अरे अब ये दुनिया भर के टाइम लगाएगा। चलो इसको तोड़ते हैं हाथ से क्योंकि अंदर लगाऊंगा मैं, एक भी टीएनटी वेस्ट नहीं करना चाहता भाई। गाइस ये लास्ट है, क्या इसमें मिलेगा? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इतनी इतनी दूर में मिल रहे हैं ना, कैसी उम्मीद होगी भाई, उम्मीद रख के भी कैसे रखूं मैं उम्मीद। चलो गाइस अब ये इनका पता नहीं अपने को कितने डायमंड हो। अब गाइस अपन ऊपर जाके वापस अपन AKF जाने वाले हैं अपने गन पाउडर फार्म में, और इसको यहीं लगे रहने देते हैं, बाद में काम आएगी। सारे मैंने डीप स्लेट ले लिए, ऊपर रख देंगे और ये जो डायमंड है ये चमक ही रहे हैं अपने। ओके गाइस डन, अभी ऊपर आ गए, अभी इनको रखते हैं अपन फटाफट से सारे डीप स्लेट जो है इस वाली चेस्ट में। अरे नहीं ये वाली चेस्ट भर गई है, चलो अच्छी बात है भर गई है, ये देख के बड़ी खुशी हुई। और अब इन चेस्ट को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ डालो। ये कितने हैं? ओ बहुत हैं। रुकना सारा जो डीप स्लेट है ना वो एक ही चेस्ट में रखना चाह रहा हूँ मैं, एक में या फिर और सेम बना के रखेंगे। चलो एक डबल चेस्ट भरने वाली है अपनी डीप स्लेट से, बहुत बढ़िया। अभी फटाफट से एक स्टैक ये लेते हैं, इसका बनाते हैं सबका प्लैंक, और प्लैंक से बनाएंगे पूरी स्टिक्स क्योंकि अपने को चाहिए 120 लैडर्स। ऊपर जाएंगे ना अपन वहां पे, क्या कहते हैं AKF करने, तो वहां पे इससे पिछली बार अपन लैडर्स नहीं लेके गए थे, इस बार लैडर्स लेके जाएंगे। चलो गाइस अपन अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और अभी इसको जो है पैक कर देते हैं इससे पिछली बार की तरह, और अब की बार जो है अपन लैडर्स लगा के नीचे जाएंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जब इसका फोल्डिंग वगैरह आ जाएंगे जब, तो खैर बात ही अलग होगी, बड़े लोग हो जाएंगे फिर तो जब अपन। ओके सो गाइस अभी अपन जाते हैं AKF और अभी टाइम हो रहा है 11:25, दिख रहा है तुम्हें? उम्मीद है दिख रहा होगा अभी। अभी जाते हैं AKF। ओके सो गाइस अभी देखो बज रहे हैं 1:05 हो रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें? देखो अभी 1:05 हो रहे हैं और हाँ ये रात के ही हो रहे हैं, तो पीछे मेरे भूत वूत दिखे तो बता देना। तो इस चलो अभी चलते हैं, और किधर की साइड जाना था, एक सेकंड, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? डन, इधर का नहीं खोलना था, इधर का खोल के चलते हैं। हाँ चलो, अरे अभी लैडर्स लगा के जानी ना, तो लैडर्स लग जाएंगी ये? हाँ लग तो जाएंगी, और मैं गिर तो नहीं जाऊंगा यहाँ से? ओए नहीं, अबे क्या हो रहा है ये? चलो ठीक है जितनी भी लग रही है उतनी लगा देता हूँ, फिर ऊपर चढ़ेंगे जब लगा देंगे बाद में। अभी मैं अपने आप, मैं ये देखो एक हाथ छोड़ रखा है मैंने, कुछ नहीं दबा रखा, बस माउस से क्लिक कर करके वो लैडर्स लगा रहा हूँ, लैडर्स खत्म होने वाली नहीं। ओ शिट, ओए अरे नहीं, क्रीपर की आवाज भी आ रही थी तुमने सुनी? एक सेकंड भागो, अरे मर गया, अरे मेरा क्लच गोन रोंग हो गया भैया। मैं क्लच नहीं करना चाह रहा था, मैं सोचा कि मेरे हाथ से लैडर्स जाएंगी तो मैं शिफ्ट दबा के रुकना चाह रहा था, लेकिन रुक ही नहीं पाया सैटेलाइट। और कितने घंटे हो गए वैसे तुम मेरे को कमेंट में बताना प्रॉपर, मेरे को नहीं पता। 11:25 पे गया था जहां तक मेरे को ध्यान है ना, 11:25 मतलब 11:30, इससे पहले से 3 गुना ज्यादा मैं रुका हूं। और मेरा सामान दो भाई सब। अरे मैंने लैडर्स लगाई थी फिर, अच्छा ये तो पहले की लैडर्स होंगी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है अभी बारी है अपने चेक करने की, गाइस क्या लगता है कितने होंगे इन 3, 2, 1 बूम। चिल्ला नहीं सकता देखो, मैं बहुत जोर से चिल्लाता नहीं तो यहाँ। 1, 2, 3, 4, 16 स्टैक कितनी देर में? एक और आधे घंटे में, एक और आधा घंटे ही हुआ ना भाई, पता नहीं देखो कंफर्म मेरे को 11:30 गया था शायद, मैं ध्यान नहीं मेरे को ठीक है, लेकिन एक और आधा। अरे ना हो, मैं घर चलता हूँ, घर चलो, भागो जोर से भागो, सो जाओ, अरे पानी पियो सो जाओ जल्दी, कोई आए नहीं, अरे तेरी, भागो भागो, बहुत गन पाउडर है, अरे दुनिया भर का गन पाउडर है मेरे पास, मर जाओ। अभी गाइस है दूसरा दिन और आज अपन लेंगे सारा गन पाउडर, और अब दोस्त ओए, यू आल माय बिलो ब्लो, ये इसने बहुत मेरे को मारा था भाई, उसने बहुत मारा था। ओके कितना सारा गन पाउडर बचा है, और 2 स्टैक बन भी चुके हैं, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 1 स्टैक और बन जाएगा पूरा पूरा। गाइज बहुत माल है अपने पास, अभी इनको फोड़ के आते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है, इनको फोड़ के आते हैं
फिर बाद में वापिस बना के ले जाएंगे क्योंकि अब सैंड तोड़ के लानी पड़ेगी, सैंड खत्म हो गई है। ओके बहुत बढ़िया, बहुत गजब, मतलब मजा। इसी बात पे गाइज चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। ओए अबे ये कहां से आ रहा है? नहीं ओए फूट जा फूट जा फूट जा फूट जा, यहीं फूट जा। अरे फूट जा मिला बाब। फूट जा भाई, वो क्या हो गया? मैं किस किस तरीके से मर रहा हूं भाई? भाई अलग अलग तरीके से मरने के रिकॉर्ड बना रहा हूं मैं। अरे मेरे टीएनटी, भागो जल्दी जल्दी मेरे टीएनटी दो। हाँ ओके चलो गाइज अभी तुम लोग एंजॉय करो, बूम बाम आ जाओ। अरे अरे ये डायमंड देख के जो खुशी होती है ना। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। यहाँ डायमंड्स थे, इस लाइन में फोड़ता हुआ आ रहा हूँ कितनी दूर से, और ये देखो यहाँ बीच में फोड़ा और अब वापस से वहीं चल रहे हैं जहाँ फोड़ रहे थे अपन आगे। ओके गाइस तो इस टाइम अपनी पूरी चेस्ट वो भर चुकी है, क्या कहते हैं इन्वेंटरी स्टोन से, इनको रख के आता हूँ मैं। यहीं कहीं चेस्ट रखी थी ना मैंने डबल चेस्ट, अरे नहीं इस बार की डबल चेस्ट में ऊपर और रख के आया भाई। अरे रुको रुको रखी थी लेकिन यहाँ डायमंड थे और यहाँ ये रही चेस्ट, ये रही। यहाँ टॉर्च लगा देता हूँ मैं एक दो, इसके अंदर सारे स्टोन रख देते हैं। ओह स्टोन बहुत हो रहे हैं कुछ भी बोलो, और ये स्केलेटन भी बहुत हो रहे हैं भाई। यहाँ रास्ते में स्केलेटन की बहुत आवाज आ रही थी मेरे को। स्पॉनर स्पॉनर है क्या? देखो यहाँ आवाज आ रही है कहीं, एक सेकंड ट्राई करें कुछ करने का यहाँ पे। अरे मैं सारे बिल्डिंग ब्लॉक रख के आया भाई। अरे नहीं देखो यहाँ आ रही है, यहाँ आते स्केलेटन की आवाज आ रही है, या तो यहाँ पे कोई केव होगी। लेट्स ट्राई, पर मैं डायरेक्ट अब ऐसे माइनिंग नहीं करूंगा, देखना तुम मैं कैसे माइनिंग। यहाँ लगाओ ये और बूम बाम और नीचे चल ले। चावल ही नहीं है मेरे पास, मैं नखरे कर रहा हूँ फालतू के। गाइस मैंने सोचा स्पॉनर स्पॉनर मिल जाएगा, ये क्या मिला है? किस्मत हो तो ऐसी भाई, और जहाँ बम लगाया वहीं। वो अलग बात है एक ही मिला, मतलब इधर यही मिले। कितने हैं ये डायमंड? एक सेकंड। ये गाइस तीसरी बार मिल गई है गाइस अपने को, मतलब ये वेन वेन जो भी बोलते हैं इसमें कितने हैं डायमंड ये देखते हैं पहले। ओके तीन ही डायमंड है जहाँ तक उम्मीद है, तीन ही है भाई और तीन ही है, एक दो तीन। और यहाँ मेरे को कहीं स्केलेटन की आवाज आ रही है, मैं वो खोजना चाह रहा हूँ। कुछ तो हुआ है स्केलेटन्स को भी, हुआ है कुछ ना कुछ। स्पॉनर हो तो वो ना फूट जाए बस। इधर की साइड हो रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो झोलमाल चल रहा है लेकिन। अरे कहीं ये केव ना निकल जाए भाई एट लास्ट। आवाज बढ़ गई है। ओके दुनिया भर की स्केलेटन है, आग नहीं लगती क्या इनमें? यहाँ कहीं स्पॉनर है क्या भाई? ओ शिट अबे गलती कर दी। अरे नहीं जल्दी से ऊपर चलो नहीं तो और टपकेंगे अभी, जल्दी भागो। अरे केव, ओके अरे केव थी भाई, थी बना दी ना मेरी पोपली। मैंने सोचा स्पॉनर मिल जाएगा। अभी गाइज कुछ वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि डायमंड है ऐसे करते हुए। ओए ये डायमंड में ऊपर चार डायमंड थे, एक फूट गया इसका मतलब पक्की बात है। चलो ठीक है ऊपर डायमंड है। ये अब मैं क्या कह रहा हूं, यही इसी लाइन में फोड़े इसके ऊपर। ओके यहां से फोड़ना चालू करते हैं अब अपन सीधी लाइन में। ओए ओए अरे मैंने पानी डाल दिया और वो खराब हो गया। थोड़ी देर इन कोऑर्डिनेट्स पे खोद के देखते हैं, अभी कोऑर्डिनेट्स चल रहे हैं 48 -48 इससे पहले अपन -53 पे थे तो ज्यादा अंतर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है। ये जो एमरल्ड मिले हैं इसकी खुशी में ये लाइन खोदते हैं। नु 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 नु।
गाइज मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे चलते हैं। ये तीन डायमंड मिल तो गए, बहुत ये डायमंड मेरे को बहुत है, नीचे चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, जब पोपली बनाने वाली बातें हैं। अरे हट जा, वो हट जा, अबे हट जा, पागल है मरवाने का। ओ उधर वो निकला है। अरे आगे आगे डायमंड निकले हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, है? टू नू, एक है। अरे भाई छी भाई, किस्मत, ओ किस्मत बोले तो जुबा की। ओके क्या डायमंड और टू लू लू, एक दो तीन चार पांच। ओके गाइज पांच वापस मिल चुके हैं। टीएनटी वाला है तो आसान, देखो मेरा माता भी नहीं पका, और के सारे डायमंड मिल चुके हैं, इनको तोड़ेंगे फॉर्च्यून से तो सोना ही सोना होगा। ओ सॉरी, डायमंड ही डायमंड होंगे, ठीक है, सोना नहीं। सोने वाली टैगलाइन काट दी जाए। ओके कुछ नहीं हुआ। ओके गाइज स्टोन वापस से फुल हो गया है मेरी इन्वेंट्री में, इसको। अच्छा ये फालतू की चीजें भी तो फुल हो गई हैं, इन्हें उठाओ। ठीक है अभी फुल नहीं हुआ। ओए ओके गाइज अभी मेरे को खाली करके आनी पड़ेगी अपनी चेस्ट में, मेरे स्टोन पूरा भर गया है, तो वापस से स्टोन बहुत होता जा रहा है। गाइज इस टाइम देखो कितना सारा आइटम हो गया, और ये एक डायमंड भी यहीं रख के चलते हैं। ओके चलो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक तो अपने काम आ जाएंगे, और अपनी ये चेस्ट भी भरने वाली है, अपने को ऊपर जाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि इन्वेंट्री तो कभी भी भर जाएगी, दो मिनट नहीं लगती इन्वेंट्री को भरने में। ये वापस से केव आ गई है। ओके गाइज तो अभी देखो मैं सामने खोज रहा था, पूरी यही आ गई, क्या कहते हैं टफ टफ, और इधर गया तब भी टफ टफ आ गई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ अब इन टीएनटी को ना कहीं कहीं रैंडमली प्लेस करके खोद के देखते हैं, क्योंकि जैसे कि तुम्हें याद होगा मैं ऊपर गया था वो देखने, मैंने सोचा था कि ऊपर स्पॉनर वगैरह हो, क्योंकि स्केलेटन्स की आवाज आ रही थी। तो ऊपर मेरे को एक जगह पे बहुत ये रहे, इस जगह पे मेरे को डायमंड मिल गए थे तीन, ठीक है। तो इसलिए अब मैं जो है रैंडमली जगह प्लेस करूंगा डायमंड, वो टीएनटी जहां पे डायमंड्स है ना उसके थोड़ा दूर, जैसे कि यहां पे ट्राई करते हैं। जहां देखो भाई वहां टफ निकल जा रहा है, ये देखो अभी देखना, ये देखो, अरे टफ ही टफ है भाई सब जगह। एक बार दे दे, बहुत देख रहे हो तुम, लास्ट टाइम कितने स्टोन खाली करके आया था मैं। गई मेरी फ्लिंट, गई, लगता है मेरे को ये 14 मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। ओ मिल गई, मैं जो बोल रहा था वो आठ की है, हो गया, मैं जो चाह रहा था हो गया, क्या बात है, आठ की है, बोल दो कि तुम आठ की है ये। चार चार आठ, पूरे चार चार डायमंड मिले, मतलब आठ डायमंड हो गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई, ये सबसे ज्यादा मिले अभी तक के डायमंड मेरे को। और मैं अब ये देख रहा हूँ जहाँ डायमंड मिल रहे हैं ना उसके बाद बहुत दूर तक नहीं मिल रहे डायमंड, तो अब क्या करते हैं, अब जाते हैं थोड़ा सा और दूर है, इधर की साइड चलो। अरे मेरी फ्लिंट एंड स्टील खत्म हो गई, लो ये लो, ये लास्ट था अपना, और थोड़ी फ्लिंट एंड स्टील नहीं है, अरे नहीं भाई, अरे चलो चला जाए घर गाइज, और अब की बार जो है बाकी के टीएनटी भी लेके आएंगे, और शायद फॉर्च्यून भी बना के लाएं, देखते हैं। लेट्स गो टू होम एंड, और ये देखो स्टोन देख रहे हो तुम, और अभी एक स्टैक और बन जाएगा पूरा टीएनटी का, एक स्टैक प्लस उसमें करीबन पूरे दो स्टैक है उसमें गन पाउडर एक्स्ट्रा। और ये देखो कितनी लंबी रवीन सी खोद दी मैंने, गाइज टैलेंटेड आदमी हूं ना। और ये रॉटन फ्लैश वगैरह फेंको, डीप स्लेट्स लेके जाते हैं सारे, जो सारा मटेरियल है ना ये रेड स्टोन वगैरह ये सब बाद में लेके जाएंगे। दादा बनेगा, दादा बने, पूरी रवीन खोद दिया तुम लोगों के लिए मैंने, यहाँ पे रहो तुम आराम से, ठीक है। मेरे डायमंड को हाथ मत लगाना, मैं बता रहा हूँ, मेरे डायमंड को हाथ लगाया ना तुम लोगों ने, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहीं जाना था ना, ये घर का ही रास्ता है ना भाई। अरे अरे क्या कर रहा है, ठीक है घर का ही रास्ता है, खाना खाओ और भग जाओ, इतनी जोर से भगो पता नहीं पड़े किसी। अभी गाइस जो है अपन सैंड लेके आते हैं, और ये देखो तुम स्टोन, अच्छा इस वाली चेस्ट में नहीं थी, इसी चेस्ट में थी, रुकना एक और चेस्ट बनाऊंगा मैं। चलो ये लो डन, कितना सारा स्टोन हो गया, ये देखो एक एक डीप स्लेट की पूरी डबल चेस्ट, और एक और बढ़ जाएगी अपने पास, क्योंकि अभी तो गन पाउडर कितना है, कहाँ रखा था गन पाउडर। ओके गन पाउडर, ओके ये रहा, एक दो तीन चार पांच छह सात स्टैक है,
तो एक स्टैक तो पूरा उसका TNT का और आधा और बन जाएगा जहां तक है, आधे से थोड़ा कम ये दो और रखे इसमें रख दो, सब काम आएंगे भाई। चलो तो गाइस अभी मैं जो है सैंड लेने जाता हूँ, वहां से शवल लेके जाएंगे, उधर रखिए। मैं पीरो वैली MLG गाइज, आई एम शो पीरो। भागो 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 वो भागो, भगते रहो। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी जो है इसके अंदर रखते हैं अपन जो फालतू का सामान है और सारा गन पाउडर निकालते हैं और अब इनके बनाएंगे अपन TNT। अरे अरे सोना नहीं है भाई, सारे TNT एक स्टैक, ये देखो पूरा एक स्टैक बन गया है। और अब ओके 23 और 64 प्लस 34 क्या इतने में अपने को और कितने डायमंड मिल सकते हैं। और एक पिकेक्स और लेके जानी है, मेरी पिकेक्स खत्म हो गई है। भले आज तो TNT पे चढ़ के बजाऊंगा तेरे को, आजा दादा। मेरी पिकेक्स क्या आयरन दे मेरे, अपने पास 3 फ्लिंट एंड स्टील हो गई है और थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, डर्ट दे दो मेरे को। चलो लेट्स गो। और अरे नहीं, वो तो निकाल के लानी चाहिए थी मेरे को Fortune 3, वो तो लेके नहीं आया। चलो ठीक है, अब दोबारा जाएंगे जब निकालेंगे, पहले तो ये अपने जो 64 और 34 जो TNT है इनको फोड़ते हैं। ओ अरे इतने सारे लोग बाग कहां से आ रखे हैं, आ जाओ ब्रो। ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेट्स डू बूम बाम। है भाई क्या है, ओ मर गए भाई। ओके ब्रो गाइस, ये डायमंड देख के अलग ही खुशी होती है थोड़ी थोड़ी दूर। अरे भैया क्या दिक्कत है तुम लोगों को, आ जाओ। अबे तेरा जाम चिकन कुकड़ुकू। अरे जितनी बार भी जाता हूँ उतनी बार मर क्यों जाता हूँ मैं। चलो भाई चलो जल्दी चलो। और आगे की साइड एक जगह डायमंड आए थे, फिर मैंने खुदाई नहीं करी थी। है नहीं, अच्छा इधर खुदाई करना ही बंद कर दी थी मैंने। ओके इधर अपन ने बंद कर दी थी क्योंकि इधर टफ आ गया था। और इधर की साइड चलते हैं अब। इधर करी थी नहीं, इधर भी नहीं करी थी। कहीं ना कहीं तो एक जगह मैंने मोड़ ले लिया था। हाँ ये रहा वो मोड़, यहाँ पे मेरे को मिले थे शायद। नहीं यहाँ नहीं मिले, कहीं ना कहीं तो हाँ यहाँ मिले थे मेरे को, इसलिए मैंने फिर आगे नहीं करी थी। तो मैं यहाँ आगे करता हूँ अब थोड़ी देर, क्या पता मिल ही जाए। कम से कम 30 बॉम्ब तो यहाँ फोड़ते हैं सीधे में, फिर देखेंगे। अरे अरे ऐसे मिल गए। ओ ये देखो कितनी सी दूर पे मिले, इधर 8 वाली रवीन थी, मैंने बोला था इधर खोदते हैं, ये देखो। ओ यस, और कितने हैं, क्या बात है, 2 तो हैं, 2 ओके 3 4। और तेला नाम टिकन कुकुलुकू, नेला नाम टिकन कुकुलुकू, क्या बात है। ये वाली लाइन अपने लिए लकी है, ये हो गए अपने पास इधर में 8 9 10 11 12। जहां तक उम्मीद है गाइस शायद हो गया हो अपने आर्मर और टूल्स का काम, लेकिन अब TNT है तो फोड़ने तो बनते हैं सारे। चलो भाई फूट, अरे नहीं इसको मत, ओके बच गए, मैंने सोचा था ये फूटेंगे, नहीं फूटे, बहुत बढ़िया। अरे गाइज फिर से देखो टफी टफ आने लगी है। अरे क्या हो रहा है भाई, ये तो टफ, अब अगर अब टफ, अरे ये टफ कितना है भाई, यहाँ पे एक बम और फोड़ूंगा लास्ट, अगर अभी और टफ आया तो फिर मैं यहाँ से निकल लूंगा, कहीं और फोड़ेंगे अब, क्योंकि देखो लास्ट टाइम कहाँ मिला था अपने को डायमंड और अभी तक डायमंड नहीं मिला है अपने को। तो गया एक और फोड़ते हैं, क्योंकि आधी खुशी तो डायमंड से मिलने की हो रही है, लेकिन ये भी तो मिल रहे हैं कोबल स्टोन, इसकी भी तो खुशी है। ओके गाइज अपनी इन्वेंटरी भर चुकी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले एक बनाते हैं अपन चेस्ट, और चेस्ट में रखेंगे अब अपन सारे सामान। इसको खोलो, इसको यहाँ रखो, और जितना भी आइटम आएगा आप सारे इस चेस्ट में रख देंगे। तो अपनी एक चेस्ट वहां भी भरी पड़ी है पूरी स्टोन से, और ऊपर तो है ही, तुमने देखा कितनी सारी स्टोन से भरी पड़ी है। अरे भाई अब नहीं मिल रहा, पूरा एक स्टैक खत्म कर दिया तुमने, देखा मतलब एक स्टैक क्या आधा स्टैक, रुको एक सेकंड, अब इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लेते हैं गाइस, डायरेक्शन चेंज करते हैं, बहुत देर से खोद रहा हूं मैं, कुछ नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है अभी डायरेक्शन में इधर चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर खोद के देखते हैं थोड़ा सा। देखो एक यहां और एक यहां, कुछ है भाई, चलो वापस से स्ट्रेट ही माइन करते हैं, मिल तो रहा नहीं है कुछ, देखो मिल जाए कभी। एक नीचे की साइड फोड़ के देखें, और नीचे फोड़े, रुको एक 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 TNT यहाँ लगाते हैं, और सामने कुछ मिला भाई। हेलो गाइस कुछ नहीं मिल रहा गाइस, क्या कर लू गाइस, इधर कुछ मिला भाई, कुछ है
गाइस पूरा एक स्टैक खत्म होने वाला है और एक भी डायमंड नहीं मिला है। वहां मिला था मेरे को, ये देखो कितनी दूर, और तीन तीन क्रीपर अलग दिख रहे हैं और अब मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। अरे नहीं, मैं टीएनटी रख के आया क्या? एक सेकंड में टीएनटी और थे ना। ओके 33 टीएनटी रख के आया था। गाइज मिल गया, और ये पहले से फूटा हुआ था, बस इसके ऊपर का एक ब्लॉक हटा। देख रहे हो कहीं ऐसे एक ब्लॉक हटने पे। ओके दो डायमंड है। कितने हैं टोटल, कितने डायमंड है भाई? सैड लाइफ गाइज, दो ही हैं। ऐसे तो अगर यहीं कहीं फोड़े और कहीं डायमंड निकले तो। ओके कुछ नहीं निकला। ओके सो गाइज अभी लास्ट के मेरे पास सिर्फ बचे 7 टीएनटी, और क्या इसमें अपने को एक बार भी डायमंड मिलेंगे अब देखते हैं, क्योंकि मेरे पास अब 6 टीएनटी बचे हैं और इसके अलावा एक भी टीएनटी नहीं है। फिर चलेंगे अपन घर और लेके आएंगे फॉर्च्यून वगैरह निकाल के, और फिर देखते हैं कितने डायमंड मिलते हैं अपने को। दो फॉर्च्यून निकालने की सोच रहा हूँ अभी तो, क्योंकि एक आयरन की पिकैक्स पे लगाऊंगा, उससे डायमंड तोड़ूंगा, फिर डायमंड की पिकैक्स बनाऊंगा, फिर उस पर फॉर्च्यून लगाऊंगा, क्योंकि डायमंड का अलग ही लक हो जाएगा। तो इससे पहले तुम्हें याद होगा मैंने आयरन की पिकेक्स पे वो लगाई थी, क्या कहते हैं, फॉर्चून। तो एक एक ही मिला, दो मैंने तोड़े थे लेकिन एक एक ही मिला डायमंड। दो डायमंड तोड़े थे मैंने जहां तक, या एक ही तोड़ा था लेकिन एक ही मिला था, वो बड़ा दुख की बात है इस चक्कर से। अगर वो तीन मिलते तो आज मेरे पास डायमंड की पिकेक्स होती। चलो लास्ट गाइज, मेरे को लगता नहीं अब मिलेंगे। ओके अभी नहीं मिला, ये लास्ट है, क्या इसमें मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। ओके गाइज नहीं मिला। चलो तो अभी चलते हैं अपन घर, पहले खाना खा लो। अभी अपन चलते हैं घर और लेके आते हैं फॉर्चून निकाल के। कितनी लंबी टनल है और ये टनल का क्या करना है ये बताना गाइज जी। बहुत लंबी टनल हो गई है, ठीक है, इतनी लंबी टनल है ना कि इसका क्या कर सकते हैं ये तुम मुझे कमेंट्स में बता देना। और अभी जो भी है मैं सिर्फ स्टोन लेके जाने वाला हूँ, टफ वफ नहीं, क्योंकि स्टोन की वो चेस्ट भरेंगे तो अच्छा सा लगेगा, बाकी दोबारा ले जाएंगे। इन सबको तो रख दो, इनको और दे। ओके गाइज अभी भी अपने पास बहुत सारा स्टोन पड़ा है और अभी एक और चेस्ट भरी पड़ी है उधर की साइड, तो अभी चलते हैं अपन घर पे फॉर्चून लेते हैं। और यहाँ पे अरे अरे क्या डायमंड ही डायमंड है भाई। यस चलो किधर जाना था, इधर। अबे 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 किधर जाना था, ओए कहाँ जाना था, कहाँ जाना। ओके ठीक है मिल गया भाई, ये रास्ता जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको तोड़ो। यहां से अपन ने रास्ता मोड़ा था और अभी यहां से अपने को जाना है जहां तक, नहीं इधर नहीं जाना, उधर जाना है। ठीक है चलो रास्ता मिल गया गाइज। अपन ने बीच में से यहाँ एक आगे ब्लॉक करके, क्योंकि आगे टफ ही टफ था, इसलिए मैं इधर जाके फिर इधर सीधा गया हूँ आगे। तो बस ये एक लाइन है, ऐसी लाइन है, यहाँ से यूं फिर यूं फिर यूं ऐसे लाइन बना दी अपन ने टनल सी। तो ये देखो इधर भी डायमंड ही डायमंड है, और ये देखो अपनी जो दूसरी चेस्ट है इसमें भी कितना स्टोन है, पूरी भरी पड़ी है, लगभग भरी पड़ी है ना। बैक टू विलेज गाइज, बैक टू विलेज। अभी तो ये लगाओ और सबसे पहले तो इन स्टोनों को जो है इधर खाली करो। ये देखो एक चेस्ट, दूसरी चेस्ट, और अभी नीचे एक आधी और एक और आधी, मतलब एक चेस्ट और भरी पड़ी। अरे सोने दे भाई, अरे मार खाएगा ये आदमी। अपन निकालनी अपने को फॉर्चून 3। तो मेरे पे बहुत सारी वुड तो पड़ी थी लेकिन वो ओके इसमें होगी। हाँ तो इसका अपन बनाते हैं स्टिक, और इससे पहले की तरह वापस से फ्लेचर से ट्रेड करते हैं। लेकिन ये वुड मैंने यार इसलिए नहीं तोड़ी थी जिससे कि मैं फ्लेचर से ट्रेड करके इनको खत्म कर दूं, अरे ये काम के लिए तोड़ी थी मैंने। चलो ठीक है गाइज, अभी जो भी मंजूरे खुदा होगा, अभी अपने को जरूरत है तो अपन इनकी बनाते हैं सबकी स्टिक। और अरे नहीं ये तो इन्वेंटरी भर गई मेरी, कौन लेगा, आ जाओ हाँ चल पकड़। हाँ भाई इधर आलू का चालू बेटा, इधर कहाँ गई थी तुम। ओके फॉर्चून 3 की एक बुक, और फॉर्चून 3 की दूसरी बुक नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है थोड़ी सी तो एमरल्ड कम है, लेकिन यार 33 एमरल्ड बिगाड़ना वर्थ होना चाहिए, क्योंकि मैं जो आयरन की पिकेक्स से तोड़ू ना, अगर पहली में तीन एमरल्ड वो तीन डायमंड निकल जाते हैं तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एमरल्ड तो कैसे भी आ सकते हैं। तुमने देखा ना डायमंड के लिए मैंने कितने, मैं पिछले 2 एपिसोड से मेहनत कर रहा हूँ, 2nd एपिसोड में मैंने कितनी माइनिंग करी कुछ नहीं मिला, फिर 3rd एपिसोड में मैंने वो बनाई क्रीपर फार्म बनाया, फिर अब मैं जाके कहाँ माइनिंग करने निकला था, और अब आए हैं अपने पास। और अगर ये फॉर्च्यून 3 की जो मैं आयरन की पिकेक्स बनाऊंगा ये वर्थ जब ही रहेगी जब मैं क्या कहते हैं पहली बार में जो डायमंड तोड़ू उससे कम से कम 3 मिल जाए, या तो 2 तो मिल ही जाए, क्योंकि एक अपने पास पड़ा है। ओके 37 हो गए, अभी फटाफट से अपन वो लास्ट वाली एक बुक भी खरीद लेते हैं, मतलब एक बुक और खरीद लेते हैं इधर अभी। चलो
देन मैंने दो बुक खरीद लिए, अभी अपने को यहाँ से लेके जाना है एनविल, और यहाँ पे कोई घुस तो नहीं जाएगा ना भाई, ये गेट खुला छोड़ देता है कभी कभी, रुक जाओ इसको लगा दे उसको, अभी अपन देखो ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे तो उसमें रखेंगे, क्योंकि अपना एक फेदर फॉलिंग 4 का भी यहाँ घूम रहा है, इसको मैंने पैक करने की कोशिश करी थी लेकिन ये निकल गया था, ये देखो फेदर फॉलिंग 4 का ही है, बहुत अच्छा आदमी है। तो अभी अपन लेके अभी सबसे पहले तो इसको लगाओ पिकेक्स में, अरे नहीं पिकेक्स नहीं बनानी पड़ेगी मेरे, इसके अंदर लगाते हैं अपन फॉर्चून 3, ठीक है 6 ले रही है, 21 है मेरे पास, डायमंड की पे भी लग जाएगी जहां तक है, तो अभी इसको फॉर्चून से एक ये चीज तोड़ लें क्या फॉर्चून से, ओके हाँ एक ही आएगी, वो तो मेरे को मालूम है, मैं मेरे को ऐसे मत देखो तो। ओके गाइस तो अभी अपन आ चुके हैं अपनी चैनल में, और क्या अपन जो पहला डायमंड तोड़ेंगे, यहाँ नीचे थोड़ी कोई डायमंड था है ना, यहाँ डायमंड नहीं था ना, हाँ मैंने उधर की साइड माइन चालू कर दी थी, यहाँ जाके फिर यहाँ जाना है, और ये रहा पहला डायमंड, यहाँ लगाओ टॉर्च, और अब देखते हैं कितना मिलेगा। ओके 3 वर्थ भाई, वर्थ निकाल, फॉर्चून की आयरन की पिकेक्स बनाने का वर्थ हुआ भाई, चलो बढ़िया बात है, यही मैं चाह रहा था, क्योंकि इसके अंदर एक पड़ा था, अगर दो भी निकलते ना तब भी मैं डायमंड की पिकेक्स बना लेता, तो अब इसकी बनाते हैं एक डायमंड की पिकेक्स, ओ ये, और अभी जो है एनविल को रखो यहाँ, इसको रखो एनविल को ये लो, गाइज अपनी पहली डायमंड की पिकेक्स, अभी इससे तोड़ेंगे अपन सारे डायमंड्स, देखो अब कितने मिलेंगे देखते हैं। ओके 2 मिले हैं जहां तक है, ओके इससे भी डबल मिले हैं, ओ इससे एक ही मिला है, ठीक है इससे भी डबल मिले, कितने हो गए टोटल 7, 5 की थी शायद ये, 5 थे और 7 मिल चुके हैं, 7 क्यों 8, 9, 10, 5 से करीबन 10 मिले, क्योंकि एक ही अपने पास पिकेक्स भी है डायमंड की, ये भी 3 उसी के हैं। अब चलते हैं आगे, और कहीं थोड़ी थे रास्ते में, हाँ नहीं थे, ओके और कहाँ, इधर ये है, अब नेक्स्ट तो तोड़ते हैं। ओके कितने डबल, ओके 10, 7, 3, क्या बात है, इसको उठाओ इसको तोड़ो, इससे एक ही मिला है क्या, ओए घूमना बंद कर घूम, ओके एक ही मिला है गाइस, इससे एक ही मिला है, ठीक है नो प्रॉब्लम, मिला ना, कितने हो गए, और ऊपर तोड़ के देख लेते हैं क्या पता आसपास हो, क्योंकि 2 ही थे यहाँ पे, 2 ही थे यार, नहीं 2 ही थे गाइस, ओके गाइस 2 ही थे यहाँ पे, अपन टॉर्च लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे है ऊपर, क्योंकि मैंने जहां भी टॉर्च लगा रखी वहां है मेरे को मालूम है, ऊपर चलते हैं, और ऊपर की साइड कहाँ थे, अच्छा पीछे ही थे, ये रहे इनको तोड़ो, ओके डबल मिले, डबल, इससे शायद सिंगल पता नहीं, लेकिन कितने हुए 19 गाइज, आर्मर बन गया, बस एक और चाहिए, और अभी तो अपन ने कितनी माइनिंग और कर रखी है, अब मर, ओए ओ मम्मी मैं जा रहा हूं, सॉरी ब्रो, इधर शायद एक ही मिला था, आगे नहीं है, अगर आगे होता तो मैं टॉर्च लगा रखा होता, टॉर्च नहीं है तो डायमंड नहीं है, चलो नीचे चलो जल्दी चलो भाई, अरे तेरी ऐसी तैसी डायमंड नहीं देख रहा मेरे पे, कितने मेरे को, चल तू चकता रहे मैं जाता हूं आज, चलो अपने को अभी आगे नेक्स्ट डायमंड की पिकेक्स, और यहाँ कितने हैं, अभी रुको मेरे पे 23 है ना, ये कितने मिले, अरे एक ही मिला भाई इससे, ये कितने मिले भी रो, 27 हो गए, 23 के 27 हो गए, पहले वाले में एक मिला, फिर पता नहीं कितने मिले, 3 मिले शायद, 4, 5, 6, 7, हाँ 3 मिले, सेकंड वाले में 3 मिले, और अभी देखते हैं, ओके अरे सिंगल मिला, ओ इससे डबल मिला, 32 कितने, इससे फिर डबल मिले 36, यस गाइज ये हुई ना बात, और अभी आगे शायद नहीं आगे है, एक जगह है आगे, या फिर टफ आ गया था तो मैंने बंद कर दी थी, हाँ ठीक है आगे नहीं है, अब बगल वाली वेन में, मतलब ये जो बगल में जो लाइन गई हुई है, ओके अब इस वाली लाइन में जितने भी हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, आगे मिलेंगे, ये रे ये 8 है गाइज, और मेरे पे यहाँ 36 है, ठीक है ये 8 है, कितने मिलते हैं देखते हैं, ओके 39, 42, 59, 52, ओके इससे एक ही मिला है, 53 और 57 गाइज, क्या आज एक स्टैक हो जाएगा, मुश्किल है बट ओ हो जाएगा, 61 हो गए गाइज, 61 हो गए, हो जाएगा आराम से, एक मिला, अरे एक ही मिला, ओके नीचे वाले इससे 2 मिले,
मतलब डबल ट्रिपल जितने भी कितने हो गया गाइज, एक स्टैक प्लस थ्री। भाई मजा आ गया ये क्रीपर फार्म, भाई मेहनत लगी क्रीपर फार्म बनाया, लेकिन क्या मस्त रिजल्ट मिला है, देख रहे हो। और भी अभी और भी है, कहाँ पे थे एक सेकंड, और भी थे, नहीं देखा मैंने तेरी आंखों में। इधर टॉर्च लगाओ, सबसे पहले तो टॉर्च लगाओ, खाना खाओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ। लेट्स डबल डबल सेवन टेन। ओ भाई पैसा गाइज, कोई कमी नहीं अब डायमंड की, और अब चाहिए भी नहीं डायमंड, मतलब वैसे चाहिए है लेकिन अब मेंडिंग वेंडिंग लगा लेंगे, कोई जरूरत नहीं है डायमंड की। वैसे हो गए सारे, हाँ हो गए, जहां तक सब सारे डायमंड तोड़ लिए लास्ट थे। यहाँ इस वाली वेन में मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिला था, बहुत देर से खोद रहा था मैं, हाँ नहीं था। चलो चलो गाइज बैक टू होम, और अब जो अपने पास, अरे ऊपर कितने सारे क्रीपर है, नहीं अरे क्रीपर क्या ये, अरे अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ सब। और यहाँ एक बिल्ली भी बैठी हुई है, ठीक है ना, यही रखेंगे डायमंडों को। मैं यहाँ इसलिए नहीं रखना चाह रहा था क्योंकि यहाँ बिल्ली वो क्या कहते हैं क्रीपर वीर पर फूट जाए, लेकिन यहाँ बिल्ली बैठी हुई है, क्रीपर कैसे फूटेगा भाई। डबल चेस्ट तो एक और रखते हैं उसके लिए, यहाँ एक। चलो ये तो सारा जितने भी स्टोन और आएगा सारा इसमें ला के रख देंगे। अभी बनाते हैं एक और चेस्ट, उसमें रखेंगे अपन डायमंड्स। ये चार चेस्ट बन गई है, एक को रखो यहाँ, बस एक ही रखेंगे यहाँ पे, बाकी जो है एक को यहाँ रख देते हैं। चलो एक को यहाँ एक को यहाँ, डन। ओके अभी जितना भी स्टोन आया अभी तो इनको तो रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे हो गए अपने डायमंड्स, और ये अपने एनविल यहाँ रखा हुआ था, एनविल को रख देते हैं यहाँ पे। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, तुम देखो वीडियो को लाइक कर देना, और ये कमेंट्स में बताना मेरे ने टोटल कितने टीएनटी फोड़े, और डायमंड तो मेरे को पता ही है 64 और 11 है, तो कितने टीएनटी फोड़े ये कमेंट्स में बताओ। जब तक के लिए तुम देखो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में आर्मर के साथ।